आप सभी का स्वागत है टेक करार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आपने आधार ओटीपी से अपना अकाउंट ओपन किया है ऑनलाइन, तो दोस्तों आप किस प्रकार से अपना जो फुल केवाईसी अकाउंट रेगुलर अकाउंट कैसे करेंगे और अपना जो अकाउंट को फुल केवाईसी कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का केवाईसी आप जब तक नहीं करते हैं तो आपके किसी भी तरह के कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन में आपको प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने गूगल ब्राउजर चाहे क्रोम ब्राउजर पर आपको सर्च कर लेना होगा। हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे IPPB, तो हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारा जो IPPBOnline.com यहाँ पर सर्च हो चुका है। IPPB सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल साइट है आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपके किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट यानी डिपॉजिट और कैश विड्रॉल में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा और आपके अकाउंट या करंट या तो डिजिटल अकाउंट है और अपना जो केवाईसी आपने नहीं करा रखा है, तो दोस्तों आप आधार ओटीपी के जरिए आप अपना जो केवाईसी आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको अपना जो केवाईसी फुल केवाईसी आपको रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, आधार सीडिंग का ऑप्शन दिख रहा है और आधार सीडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं फंड ट्रांसफ़र और यहाँ पर री के वाई सी उनके लिए है जो अपने एड्रेस जो चेंज कर चुके हैं, पहले एड्रेस उनका दूसरा था अभी जो दूसरा है वो रिकेवाईसी आप करा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं या तो मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी अपने अकाउंट में, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। और अपना जो क्यूआर कोड आप यहाँ पर लेना चाहते हैं या क्यूआर कोड वाला कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल पेमेंट और UPI और यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड और यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग आपका जो मोबाइल बैंकिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने केवाईसी देख सकते हैं, अपने केवाईसी से रिलेटेड, तो आपको केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको केवाईसी करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जितने सर्विसेज हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चूज करने का आएगा अपना जो भी है, आपको यहाँ पर MR सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है आपके आधार कार्ड में यहाँ पर इंटर कीजिएगा और लास्ट नेम आपके आधार कार्ड में है तो इंटर कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपके जो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में रजिस्टर है वो इंटर कर दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो एड्रेस है ऑनलाइन 2 में आप एड्रेस डाल सकते हैं, अपना एरिया पिन कोड और यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे, अपना जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल दीजिएगा, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपना पूरी डिटेल इंटर कर दीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, सर्कल और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ पर देख सकते हैं इस चेकबॉक्स को चेकबॉक्स कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको एक मैसेज टाइप कर देना होगा जो भी रिलेटेड से आपका कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपका KYC नहीं हुआ है तो यहाँ पर लिख देना होगा फुल KYC और यहाँ पर इसको टिक मार्क कर देना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्चा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में इंटर कर देना होगा, सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो अपना जो भी है फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, आपको अपना पूरी डिटेल इंटर करके आपको इस कैप्चा को इंटर करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो वेरीफाई दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको योर सबमिटेड एंड आपका हो चुका है, आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों आपको अपने KYC के लिए आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एजेंट हैं आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल पर फ़ोन करेंगे, आपका जो KYC है, KYC आपका घर बैठे आपका इसी प्रकार से
हो जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही आप अपना केवाईसी करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से अपना केवाईसी कर सकते हैं, और अपना कोई भी क्वायरी से रिलेटेड कोई भी आप जानकारी अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट से बैंक से लेना चाहते हैं तो अपने एजेंट से आप यहां पर बात कर सकते हैं। कोई भी तरह के किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर 1552 पर कॉल कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल नंबर कस्टमर केयर का नंबर है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से अपना केवाईसी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ठीक है, बाय, थैंक यू।